सो है गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों, आप अपने वीडियो में आप जो है रनिंग टेक्स्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि दोस्तों, आप अपने वीडियो में जो है चलने वाला टेक्स्ट किस तरीके से लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अभी स्क्रीन में आप सभी को दिख रहा होगा, जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो इस तरीके का चलने वाला टेक्स्ट आप अपने वीडियो में किस तरीके से लगा सकते हो। दोस्तों, आपका तरह किसी भी तरह का वीडियो हो, वो ब्लॉग वीडियो हो या तो फिर दोस्तों गेमिंग वीडियो हो, न्यूज़ वीडियो हो, कोई भी वीडियो, आप किसी भी वीडियो में जो है इस तरीके का रनिंग टेक्स्ट अपने वीडियो पर लगा सकते हो। चलने वाला टेक्स्ट आप अपने वीडियो पर लगा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो में रनिंग टेक्स्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने छोड़ी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहले बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। तो फ्रेंड्स, अपने किसी भी वीडियो में इस तरीके का चलने वाला टेक्स्ट को किस तरीके से लगाना है, तो दोस्तों उनके लिए क्या करना है, दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरीके का रनिंग टेक्स्ट आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, आप सभी को मैं इसे जो है पहले वाला जो है ये मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद दोस्तों, अपने किसी भी वीडियो में इस तरीके का चलने वाला टेक्स्ट को लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है एक बैकग्राउंड इमेज ले लेना है। तो बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहां से आपको दिख जाएगा लेयर, तो आप सभी को लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां आपको दिख जाएगा दोस्तों सबसे नीचे हैंड राइटिंग, तो आप सभी को हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आपको ये चौले वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप जो है अपने हैंड राइटिंग बैकग्राउंड में किस कलर को रखना चाहते हैं, तो इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा रेड ही ठीक है, तो मैं रेड रख लेता हूँ। तो रेड रखने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड इमेज तो दिख रहा होगा व्हाइट वाला, उनके ऊपर अपने उंगली को इस तरीके से टच करके आपको है इस तरीके से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, फिर से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे जो है इस तरीके से बड़ा छोटा एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से आपको नीचे एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया और बैठा लिया हूँ। उनके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको जो लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फिर से आपको इस लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद फिर से आपको दिख जाएगा दोस्तों टेक्स्ट, तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने टेक्स्ट में क्या रखना चाहते हैं, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप जो रखना चाहते हैं अपने हिसाब से ये ले लेना है। उनके बाद यहां से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां आपको अपने जो टेक्स्ट का फॉन्ट है उसे आप अपने फॉन्ट से स्टाइलिश को चेंज कर सकते हैं। उनके लिए यहां आपको फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको काफ़ी सारा फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आपको जो पसंद है, यहाँ आपको फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद स्टिक पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिएगा। तो यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको टेक्स्ट को जो है ना इस तरीके से मतलब बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेना है। आपको अपने हिसाब से रख लेना है, लोग आप कितना दिखाना चाहते हैं, तो है ना, तो मैं इतना रख लेता हूं। उनके बाद आप सभी को क्या करना है दोस्तों, आपको जो है यहां आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां से आपको अपनी उंगली से दबा के इसे खींच कर कुछ इस प्रकार से यहां आपको लास्ट कर देना है ना। तो यहां से हम हो पर क्लिक कर इतना पर रख लेते हैं। उनके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ आपको साइड कोने में दिख रहा होगा एक चाबी वाला लोगो दिख रहा होगा, तो आप सभी को इस चाबी वाले लोगो के ऊपर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से इसे यहाँ से जो है ना इसे एडजस्ट कर लेना है ना। इसे एडजस्ट करने के बाद फिर से यहाँ आपको एक दिख जाओ प्लस वाला ऑप्शन, तो आप सभी को इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो है अपने खींच के कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ से लास्ट कर देना है ना।
तो चलिए इस टेक्स्ट को मैं इस तरीके से लास्ट कर देता हूँ। लास्ट करने के बाद अब आपको या इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसे क्या करता हूँ, अभी मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ कि ये दोस्तों मेरा जो चलता फिरता हुआ टेक्स्ट वो बढ़िया से हुआ है या नहीं। तो अभी मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि दोस्तों मेरा जो ये टेक्स्ट है ये चलता फिरता आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, है ना। अब दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि इनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप इसे स्लो करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे खींच कर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है ना। एडजस्ट करने के बाद फिर से आपको हैंड राइटिंग पर क्लिक करके आपको फिर इसको भी एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। तो ये दोनों को सेम एडजस्ट करने के बाद अभी मैं दोबारा से इसे प्ले करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों इनका जो स्पीड है वो कम हो चुका है। तो आप भी जो है इस तरीके से अपने किसी भी वीडियो में इस तरीके का चलता फिरता टेक्स्ट आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं। आप जो है इस तरीके का जो है रनिंग टेक्स्ट आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स आप अपने वीडियो में इस तरीके से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।